press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वो है 12 वोल्ट बैटरी चार्जर। इस चार्जर से आप कोई भी बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं, चाहे बाइक की हो, UPS की हो, या फिर जो हमने लिथियम बैटरी बनाई थी वो। कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी हो आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं घर पे। इस पे ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं आएगा। ये आराम से 220 या 30 रुपये तक पूरा चार्जर बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे चार डायोड ले रहा हूँ, 6A वाले बड़े डायोड होते हैं ये। आप 4007 भी ले सकते हैं। अभी हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। पूरा समझाऊंगा मैं, एक डायग्राम दूंगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्शन करने हैं। आप बड़े डायोड लें ताकि चार्जिंग के टाइम गर्म ना हो और ख़राब ना हो चार्जर। तो ये आप ये डायग्राम देख लीजिए, ऐसे कनेक्शन होंगे इसके। ये देखिए अपना तैयार है। अब इसमें एक 4700 माइक्रोफारेड 35 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे हम। आप चाहें तो 3300 वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 25 वोल्ट का, कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वोल्टेज मेज़र करके भी दिखाऊंगा डिजिटल मल्टीमीटर से। अब कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा हम पॉजिटिव की साइड कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव की साइड कनेक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव की साइड में रेड वायर कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव की साइड ब्लैक वायर कनेक्ट करूँगा। हम कलर कोड का पूरा ध्यान रखेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे 12012 का 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, तो हम इसमें 12012 काम में नहीं लेंगे, सिर्फ 12-0 काम में लेंगे। 12012 हम वोल्टेज डोबलर बनाने के लिए काम में लेते हैं। एक को हम यहीं फिक्स कर देंगे और दो को हम यूज़ करेंगे। जो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव तो होता नहीं है, डायरेक्ट आप कहीं भी कनेक्ट कर दें इसको डायोड के ऊपर। अब मैं एक केबल ले रहा हूँ 220 वोल्ट की। पहले वायर को छील लेता हूँ, फिर केबल से कनेक्ट करके आपको वोल्टेज चेक करवाऊँगा कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर उसके साथ जो कैपेसिटर लगता है तो वो प्रॉपर वोल्टेज जो हमें नहीं देता, तो आपको और कोई जुगाड़ ज़रूर करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपको ये सीधा कनेक्शन बता रहा ब्रिज रेक्टिफायर से बैटरी चार्ज होती है तो वो गलत है, ऐसा ना करें। ये देखिए हमें ये 18.7 वोल्ट हमें मिल रहा है, हमें चाहिए तकरीबन 14.12 ऐसे वोल्टेज चाहिए, ये हमें 18। तो हम यहाँ पे LM317 वोल्टेज रेगुलेटर काम में लेंगे। मैं इसको हीट सिंक में फिक्स कर लेता हूँ। आप यहाँ पे हीट सिंक का ज़रूर यूज़ करें ताकि IC हीट ना हो, अगर हीट हो तो भी उसकी हीट अब्जॉर्ब कर ले हीट सिंक आसानी से। मैं यहाँ पे 10K बास पोर्ट ले रहा हूँ, आप प्री सेट भी ले सकते हैं 10K का। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ LM317 के कनेक्शन। मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट लिया था वो कनेक्ट कर दूंगा और 330 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा एडजस्टेबल में, और यहाँ पे हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे जो 10K बास पोर्ट में कनेक्ट होगा। ये हमारा मिडल में ये आउटपुट होगा, ये पॉजिटिव आउटपुट होगा हमारा। अब मैं ट्रांसफार्मर से जो नेगेटिव निकला है उसको कनेक्ट करूंगा बास पोर्ट पे। जो हमने रेगुलेटर से एडजस्ट में निकाला था वायर रेड वायर, वो यहाँ पे बीच में कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट लेंगे। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे MDF बोर्ड लिया है, वो उसको स्विच और फ्यूज़ इंडिकेटर वगैरह जो मैंने LED ली
उनकी साइज के अकॉर्डिंग मैंने काट लिया है। मैंने 220 वोल्ट का फ्यूज़ और इंडिकेटर लिए हैं ताकि हमें कोई शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ उड़ जाए और हमारा चार्जर सेफ रहे। और एक इंडिकेटर भी लगाऊंगा मैं ताकि ये पता रहे हमें कि 220 वोल्ट से कनेक्ट है या नहीं। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर भी बताऊंगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज होगी, हो गई है या कितनी और बाकी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैटरी अगर चार्जिंग प्रोटेक्शन का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे तो अगर भूल जाते हैं बाय चांस तो वो हीट होके हमारा जो रिले होता है वो जल सकता है। तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे, हम ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 12 ऑडियो पोर्ट लिए हैं, फीमेल ऑडियो पोर्ट, जो मेरे को 5-5 रुपये में मिले हैं। 5 रुपये का STC स्विच, 10 रुपये का फ्यूज़, 10 रुपये का इंडिकेटर। ये मैं LED ले रहा हूँ, ये है छोटी LED, देखते हैं वर्क इसको हम। मैं आपको सीरीज में कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और 1K रेजिस्टेंस के साथ मैंने इनको सीरीज में लगा दिए और पॉजिटिव साइड में 1K रेजिस्टेंस लगा दी। अब इसमें रेजिस्टेंस की साइड में हम एक पॉजिटिव वायर देंगे और नेगेटिव साइड में हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। आप कनेक्शन अच्छे से देख लीजिए, हमने यहाँ पे आउटपुट से डायरेक्ट इनमें कनेक्शन ले दे दिए हैं इनको। अब मैं ट्रांसफॉर्मर के जो कनेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव वो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हम नेगेटिव वायर पे स्विच कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं वायर बीच में से काट लेता हूँ। काटने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं STC स्विच के ऊपर कनेक्ट करूँगा इसको। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर का एक वायर फ्यूज से कनेक्ट कर दूंगा ताकि हमारा इंडिकेटर भी सेफ रहे। तो मैंने MDF का बोर्ड पहले से बना के काट के बॉक्स बना लिया था क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था। तो मैं इसमें ट्रांसफॉर्मर, ये अपने जितने कनेक्शन किए ये फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने फिक्स कर दिया है इसमें। अब 220 वोल्ट की जो केबल हमने ली है उसको मैं ट्रांसफॉर्मर से और फ्यूज से इनमें कनेक्ट कर देता हूँ। हम एक वायर डायरेक्ट इंडिकेटर से कनेक्ट कर देंगे, दूसरा वायर हम फ्यूज से लेंगे। मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे वायर ले रहा हूँ जो हम केबल से कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट, और दोनों वायर फ्यूज से कनेक्ट होके हमें सप्लाई देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज उड़ जाए और हमें कोई नुकसान ना हो। मैं इनको सोल्डरिंग आयरन से फिक्स कर देता हूँ, फिर इनके ऊपर मैं टेप कर दूंगा। ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, अब मैं इस पर टेपिंग कर देता हूँ। टेपिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने बोर्ड को फिक्स कर लिया है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक जरूर करें। मैं यहाँ जिप टाइप की हेल्प से इसको केबल को फिक्स कर देता हूँ ताकि ये बाहर ना निकले, और साथ में ग्लू गन भी लगा दूंगा ताकि ये हिले भी नहीं। आप दोस्तों इससे कोई भी बैटरी आसानी से चार्ज करते हैं, चाहे वो UPS की हो, बाइक की हो। जो हमने बाइक की बैटरी पिछले वीडियो में हमने बनाई थी वो भी इसमें इससे आसानी से चार्ज होगी। मैं वही बैटरी आपको चार्ज करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने इसके नाम और इंडिकेशन वगैरह सब कर दिए हैं। ये बैटरी लेवल इंडिकेटर है। ये देखिए 220 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद हमें इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसका वोल्टेज लेवल एडजस्ट करके फिक्स कर देंगे। यहाँ पे बार बार हिलाना नहीं पड़ेगा हमें। मल्टीमीटर से मैंने कनेक्ट कर लिया इनको, अब मैं ऑन करके और वोल्टेज फिक्स कर लेते हैं। पहले 220 वोल्ट कनेक्ट कर देता हूँ मैं, हमारा वोल्ट कनेक्ट हो गया। अब मैं इसके इनके वोल्टेज फिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए अब ये पूरा दिखा रहा है, हमें 14.1 या 2 वोल्ट पे फिक्स करना है इसको, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि हम 14.1 या 2 क्यों ले रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितना ज़रूरी है 12 वोल्ट बैटरी के लिए।
इसका जो दोस्तों जो आउटपुट होगा वो 3 एम्पेयर होगा। आप कोई भी बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं इससे। मैंने वोल्टेज फिक्स कर लिया है 14.2 पे। अब मैं इसको बोर्ड को अपने चार्जिंग बॉक्स को पैक कर देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा चार्ज करके भी दिखाऊंगा और बैटरी लेवल इंडिकेटर भी चेक करके दिखाऊंगा पूरा। ये देखिए अपना बन के तैयार हो गया। ये वो बैटरी है जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, जो बाइक और उनके लिए बनाई थी। तो मैं इसका चार्जिंग आपको दिखा देता हूँ। इसका चार्जिंग 11.8 है। तो हम इसको अब चार्ज लगाएंगे। कितना चार्ज है ये? 12.6 तक जाएगी। मैं 15 या 20 मिनट लगाऊंगा इसको। ये देखिए 80% के करीब ये है। 20% हमें चाहिए। मैं थोड़ा सा चार्ज करके आपको दिखाऊंगा। तो पूरा चार्ज करके दिखाऊंगा तो ये वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको चार्जिंग के बाद इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कितना कवर हुआ है। अपना 11.8 था। ये देखिए ये 12 वोल्ट तक चला गया है। तो आपकी बैटरी आसानी से चार्ज होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं आपको बाकी की 12 वोल्ट जो UPS की बैटरी है मेरे पास वो दिखाता हूँ। ये देखिए इस बैटरी पे साफ लिखा है साइकिल यूज, यानी कि चार्जिंग वोल्टेज कितना होगा 14.1 वोल्ट से लेके 14.4 वोल्ट तक। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 13 पॉइंट समथिंग वोल्ट होगी। तो इसको चार्जिंग करने के लिए हमें 1-2 वोल्ट ज़्यादा ही चाहिए। तो ये आपकी बैटरी को आसानी से चार्ज करेगा। ये मेरे पास डिस्चार्ज बैटरी है, 60% थी। अब मैं दूसरी एक फुल चार्ज बैटरी आपको लगा के दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास दूसरी बैटरी है, ये फुल चार्ज है। तो आपको ये पूरा इंडिकेटर दिखाएगा कि आपकी बैटरी फुल है। ये देखिए हमारे चार इंडिकेटर अच्छे से जल रहे हैं। तो हमारी ये बैटरी फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।